जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। सबसे पहले आप सभी को अग्रिम न्यू ईयर जो आ रहा है, जिसको हम अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से नववर्ष कहते हैं, उसकी शुभकामनाएं आपको सभी को बहुत बहुत। ईश्वर आपको सुख शांति समृद्धि प्रदान करे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि मेष राशि के जातकों के लिए जो साल शुरू हो रहा है नया, जनवरी 2024, ये कैसा है, क्या होगा, क्या एक कोई नया आगाज होने वाला है, नया वर्ष आपके हिसाब से शुरू होने आया है। क्योंकि आज के समय में अंग्रेजी कैलेंडर को ज्यादा महत्ता देते हैं, उसी के हिसाब से लोग बाग अपना रिजोल्यूशन ले लेते हैं। तो इस महीने ग्रहों की रूपरेखा आपको क्या दे सकती है, उसका आपके स्वास्थ्य, शिक्षा, नौकरी, लाभ, विवाह, वैवाहिक जीवन, इन सब पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बहुत ध्यान से आपको यहाँ बने रहने की जरूरत है। कौन सी ऐसी मुख्य भविष्यवाणी आपका जीवन बदल सकती है, वो सब इस वीडियो में रहेगा। तो वीडियो को ध्यान से सुने और अंत तक मेरे साथ बने रहे। देखिए, हमारी ये वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है, यानी चंद्रमा अगर आपके मेष राशि में बैठा है, आपका बोलता नाम मेष राशि के आधार पर है, तो आपके लिए ये वीडियो है। ग्रहों की स्थिति को देखें हम 1 जनवरी के दिन, तो आप देखिएगा बृहस्पति अब वक्री नहीं है, मार्गी हो चुके हैं। छठे घर में केतु है, अष्टम भाव में शुक्र बुध की युति बनी हुई है, नवम भाव में मंगल सूर्य बैठे हैं, तो वहीं शनि पहुंच गए हैं एकादश भाव के अंदर, जो अभी ना वक्री है ना किसी प्रकार से कोई समस्या में है। राहु 12वें घर के अंदर चल रहे हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य के इंडिकेशन से यदि मैं इस महीने को देखूं, आपकी राशि का मालिक मंगल 9th हाउस में गया हुआ है। इसका सीधा मतलब है जब राशि का मालिक भाग्य स्थान में जाए, कहीं ना कहीं आपके ऊपर ईश्वर की कृपा इस महीने रहेगी, आपका भाग्य साथ देगा, आपके द्वारा की गई मेहनत सफल होगी। मंगल जिसको 3 दृष्टियां प्राप्त है, वो 9th हाउस में बैठ के 12वें घर को दृष्टि देता है, यानी ट्रैवलिंग से मिलने वाला लाभ मंगल दे सकता है। देखता है तीसरे घर को, यानी इसको भी हम ट्रैवलिंग या छोटी छोटी यात्राएं या ट्रांसफर या इन चीज़ों के लिए जानते हैं, आपकी हिम्मत के लिए जानते हैं, वो मंगल यहाँ देने में सक्षम है। वही मंगल चौथे भाव पर दृष्टि दे रहा है, यानी ऐसा मंगल आपको भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी का लाभ दिलाने में भी सक्षम है। राशि का मालिक 9th हाउस में पंचमेश के साथ है। पहली बात, राशि का मालिक 9th हाउस में वेल प्लेस्ड है, बहुत अच्छी कनेक्टिविटी से बैठा है, यानी आपके लिए शुभ फलदायक हुआ, क्योंकि ये लक्ष्मी भाव में है, इसलिए लक्ष्मी त्रिकोण जैसे रिजल्ट देगा, ये आपको धनदायक स्थितियां देगा, क्योंकि वो 9th हाउस में आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी 9th हाउस में लगी हुई है। आपके भाग्य को बनाने के लिए आप बहुत ज़्यादा सीरियस हैं और मेहनत कर रहे हैं। सूर्य पंचमेश होके गया है, यानी शिक्षा के लिए, विद्या के लिए, बुद्धि के लिए ये समय अनुकूल है। ये समय एजुकेशन के साथ हायर एजुकेशन करने वाले लोगों के लिए अनुकूल है। ये समय संतान प्राप्ति के लिए अच्छा है, संतान में कंसीव करने के लिए अच्छा है, क्योंकि बृहस्पति, शनि, मंगल, सूर्य, इनका सबका संबंध आप देखिएगा तो कहीं ना कहीं पंचम नवम से कनेक्टेड हो रहे हैं। वहीं इसके ऊपर और बेहतर स्थितियां बनती हैं कि मंगल और सूर्य मिलकर अगर 9th हाउस में एक धन योग बनाते हैं, तो बृहस्पति भी उस धन भाव को देखता है। यानी 9th हाउस में देखो आप 1, 5, 9, जिनको हम लक्ष्मी त्रिकोण कहते हैं, और 1, 5, 9 का कनेक्शन बने तो ये महालक्ष्मी योग के नाम से जाना जाता है। तो वो महालक्ष्मी योग बन रहा है आपके लिए, यानी कहीं ना कहीं कुछ भी हो, आपके ऊपर लक्ष्मी की कृपा रहेगी। आपके लिए ये नया साल एक बेहतर स्थिति को कायम करते हुए स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, जो आपकी शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्मान के लिए अच्छा, भाग्य के लिए अच्छा, संतान के लिए शुभ, आपके कार्यों के लिए शुभ। शनि भी इसमें अपनी पूरी भूमिका निभाते हैं। वो कहते हैं मैं कर्म का मालिक हूँ, मैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ को स्ट्रांग करूंगा, मैं लाभ का मालिक हूँ, मैं आपको सोर्स ऑफ इनकम दूंगा। और शनि की दृष्टि वक्री नहीं है, बृहस्पति अब मार्गी है, उस पर पड़ रही है, ये बनता है कर्माधिपति, धर्माधिपति, राजयोग, यानी नवम और दशम भाव के स्वामी सीधे चलते हुए अच्छे भावों में बैठकर वेल प्लेस्ड हैं, अच्छी जगहों पर दृष्टि देते हैं, अच्छी जगहों पर बैठे हैं। इसका मतलब है ये नवम और दशम का एक राजयोग बना। अगर नवम आपका भाग्य है तो दशम आपका कर्म है, एकादश आपका लाभ है। तो शनि भी पूरी तरीके से आपकी प्रोफेशनल लाइफ पूरे महीने बेहतर और स्ट्रांग स्थिति में रहने वाली है। अगर हम शुक्र और बुध की स्थिति को देखें तो ये चिंता है कि धन का मालिक 8वें घर में बैठा है तो ठीक है, क्योंकि वे अपने भाव को वापस देख रहा है, यानी सोर्स ऑफ इनकम के हिसाब से, धन के हिसाब से, फाइनेंस के हिसाब से स्थितियाँ ठीक दिखती हैं। लेकिन बुध उसके साथ है,
तो क्या है, छठे का मालिक बुध जब इसके साथ हो तो किसी ना किसी प्रकार से कुछ पैसा हेल्थ पर खर्च होना, कुछ पैसा जिम्मेदारियों पे खर्च होना, या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये वो कॉम्बिनेशन है जो आपके जीवन में इस बात को दर्शाता है कि आपको सोच समझकर धन खर्च करना है, क्योंकि छठा घर रोग ऋण शत्रु का है। सोच समझकर अपना पैसा खर्च करें, बिना वजह का कर्ज अपने ऊपर नहीं ओढ़ना है। शुक्र जब 8 तब तक 8वें घर में है और 18 जनवरी तक यहाँ है, अपने आप पर संयम रखें, जीवन साथी के साथ संबंधों का अच्छा बनाकर रखें, अपने चरित्र, अपने व्यवहार और आचरण पर संयम रखें। ये कॉम्बिनेशन विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण को बनाता है। 18 जनवरी के बाद शुक्र जब 9th हाउस में पहुंचेंगे, यहाँ से बनेगा आपको विवाह का अच्छा संयोग। यानी 18 जनवरी के बाद विवाह से संबंधित संबंधों के लिए अगर चाहिए तो शुभ है। प्रेम संबंधों का अरेंज मैरिज में चेंज होना, ये भी शुभ दिखाई देता है। धन के लिए भी शुभ दिखाई देता है। सूर्य भी देखिए यहाँ से 9th हाउस से यहाँ पहुँच जाएंगे कि जब 15 जनवरी आएगी, 14 से 15 जनवरी मकर संक्रांति होती है, और मकर संक्रांति में सूर्य दिग्बली होंगे, शनि की राशि में होंगे और शनि एकादश में होंगे। यानी सूर्य का दशम में दिग्बली होना कर्म कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा है, राजकीय कार्यों के लिए अच्छा है, राजकीय सम्मान के लिए अच्छा है, सरकारी लोगों के साथ उठना बैठना, उनके साथ मिलकर काम करना, उसके लिहाज से भी ये बेहद शुभ दिखाई देता है। एकमात्र ग्रह बुध एक ऐसा है जो वक्री अवस्था में चलता है। अब कुछ लोग इसको कहेंगे नहीं, छठे का मालिक यहाँ बैठा है, विपरीत राजयोग में है, लेकिन इसके साथ शुभ ग्रह आ गया है शुक्र, इसलिए विपरीत राजयोग के नियम इस पर नहीं लगते। इसलिए बुध ही इस महीने एक ऐसा प्लेनेट है जो आपको पीड़ा दे सकता है। आपको कोई भी खिलवाड़ शरीर से ऐसा नहीं करना जिससे आपकी हेल्थ बिगड़ जाए। अदरवाइज ग्रहों की भूमिका बहुत हद तक बहुत उचित है आपके लिए। वर्ष 2024 का पहला ही महीना मेष राशि के जातकों के लिए बहुत कुछ बेहतर देने में सक्षम है। बस आप अपने कार्य में लगे रहिए, जो सावधानी बताई है उनका ध्यान रखिए। अदरवाइज चाहे मैं हेल्थ से देखूं, प्रोफेशनली, एजुकेशन, संतान, सभी तरीके से पॉजिटिव है। थोड़ा बहुत वीक है तो मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से वीक है। तो ये था साल का पहला महीना यानी जनवरी 2024 कैसा होगा आपकी राशि यानी मेष राशि के लिए, वो सब मैंने आपको विस्तार से बताया। जय श्री राम।